वेलकम दोस्तों, कैसे दोस्तों? आज बात कर रहे हैं टेक्नो का पेंटोम एक्स सीरीज का एक स्मार्टफोन। भाई पेंटोम एक्स का ही स्मार्टफोन होने वाला है भाई, ये किलर स्मार्टफोन होने वाला है भाई। ये जुलाई 1 को लॉन्च होगा ग्लोबली, और दोस्तों इसका स्पेस वगैरह निकल के आ गया, और जितना बोलेंगे अगर उतना कुछ लॉन्च हो जाएगा भाई। मेरा जितना भी रिव्यू किया जितना भी स्मार्टफोन भाई, सबसे बेस्ट होने वाला होगा, क्योंकि भाई टेक्नो का जितना भी स्मार्टफोन है भाई, अच्छा मतलब कम प्राइस में भाई अच्छा से स्पेसिफिकेशन अच्छा स्पेस लेके हम लोग को प्रोवाइड करता है। जैसे कि एमआई ने देता है, एमआई तो अच्छा खासा देता है, पर टेक्नो भी कम दिन में भाई अच्छा खासा मतलब अपने आप को डेवलप किया, बहुत सारा कुछ दोस्तों मतलब इंप्रूवमेंट किया है चीज़ों में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। टेक्नो का ई स्मार्टफोन भाई किलर स्मार्टफोन होने वाला है अगर अंडर 30,000 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक गेमिंग स्मार्टफोन है, और इसमें कैमरा, बैटरी, मतलब गेमिंग पर्पस, हर एक चीज़ भाई जबरदस्त है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी स्मार्टफोन में आपको मिलता है, तो सारा कुछ जानकारी देंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू से लगे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे न्यू अपडेट सबसे पहले आपको ही देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों ये स्मार्टफोन टेक्नो पेंटोम एक्स के नाम पे इंडिया में लॉन्च होगा, इंडिया में नहीं दोस्तों ग्लोबली लॉन्च होगा 1 जून को। और इसका जो स्पेस वगैरह भाई मुझे काफी मतलब पर्सनली मैं बताऊं दोस्तों काफी इंप्रेस्ड किया है। और दोस्तों इसमें अगर लिक्विड कूलिंग सिस्टम वगैरह भी आ जाएगा भाई, धमाल मचा देगा, ठीक है। तो डिस्प्ले से शुरू करते हैं, 6.7 इंच का FHD डिस्प्ले मिलता है दोस्तों, और इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, मतलब अच्छा देके रखा है। और इसमें बढ़िया चीज है, इसमें दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब फ्रंट में भी मिलता है और बैक केस में भी मिल जाता है भाई, मतलब गिरेगा आपका स्मार्टफोन भाई कुछ नहीं होगा। और लुक में भाई किलर है, आप देख रहे हो दोस्तों रियर में वगैरह, तो लुक में कहीं भी कमी नहीं दिया मुझे लगता है दोस्तों। और ये स्मार्टफोन मैं दुआ कर रहा हूँ भाई अगर 30,000 के अंदर आ जाएगा इंडिया में भाई, तो धमाल मचा देगा इंडिया में, छोड़ो भाई ग्लोबली भाई धमाल मचा देगा। तो नेक्स्ट में बात करते हैं स्मार्टफोन, तो इस स्मार्टफोन का थिकनेस दोस्तों 8.72 mm का होने वाला है, और उतना भी थिम नहीं है, पर दोस्तों इसका जो स्पेस वगैरह है वो तो होना ही चाहिए भाई। और इसका जो ग्लास वगैरह है वर्टिकल है, मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ है, और इसमें दोस्तों आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा स्मार्टफोन में, ठीक है। और इसका जो बैक केस वगैरह है, मैं सोच रहा हूँ भाई इसमें बैक केस अगर लगा के तो डिस्प्ले ढक जाएगा, मतलब लुक भाई जबरदस्त दे रहा है आपको। तो इसमें दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भाई बहुत स्मूथली वर्क करेगा। ये स्मार्टफोन दोस्तों एक गेमिंग स्मार्टफोन के हिसाब से ग्लोबली लॉन्च हो रहा है दोस्तों, और इस स्मार्टफोन में दोस्तों 4700 mAh का दोस्तों बैटरी सपोर्ट आपको मिलता है। इसमें दोस्तों 33 watts का चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, मतलब फास्ट चार्जिंग भी है, बैटरी में भी इंप्रूव किया है। तो दोस्तों प्रोसेसर की बात करते हैं, मीडियाटेक हेलियो G95 एसओसी प्रोसेसर आपको मिल जाता है। तो पॉइंट आउट करें दोस्तों, इस प्रोसेसर दोस्तों गेमिंग के लिए बनाया गया है, और दोस्तों स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है। और बताया जा रहा है कि भाई इसमें कूलिंग सिस्टम भी होगा, अगर कूलिंग सिस्टम होगा इस स्मार्टफोन में मैं बता रहा हूँ भाई धमाल मचा देगा। एक दोस्तों एक बढ़िया चीज़ है, तो मीडियाटेक हेलियो G95 के साथ अगर कूलिंग सिस्टम भी ऐड हो जाएगा मचा देगा भाई, पूरा मचा देगा। तो कैमरा में बात कर दोस्तों, कैमरा इस स्मार्टफोन में कोई भी कमी नहीं दे के रखा है दोस्तों। रियर में तो क्वाड कैमरा सेटअप आप देख रहे हो दोस्तों, 50 MP का क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है, जिसमें दोस्तों 8 MP दोस्तों वाइड एंगल फोटो आप खींच सकते हो 120 डिग्री में भाई, काफी इंप्रूव किया है। 13 MP का और ऐड किया, जिसमें दोस्तों तो इसमें पोर्ट्रेट मोड आपको मिल जाता है, मतलब प्रियर में भाई कैमरा फैसिलिटी बहुत ही अच्छा देके रखा है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में डुअल फ्लैश वगैरह इस स्मार्टफोन में मिल जाता है, मतलब फ्रंट भी मिल जाता है रियर भी मिल जाता है भाई, अच्छा काम किया है। फ्रंट के कैमरे की बात करो तो 48 MP का डुअल कैमरा, और बस ये तो ओप्पो वीवो को भी पिछाड़ दिया है, मतलब 48 MP का दोस्तों फ्रंट कैमरा, 8 MP का वाइड एंगल भी फ्रंट में भी आपको मिलता है, ठीक है, मतलब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों एंड्रॉइड 11 बेस दोस्तों ग्लोबली लॉन्च हो रहा है दोस्तों, 8GB 256GB, ये कंपनी बता रहा है दोस्तों एक ही वेरिएंट में शायद लॉन्च हो सकता है, ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। और दोस्तों और नहीं तो पूरा स्मार्टफोन भाई काफ़ी अच्छा है अगर 30,000 के अंदर आ जाएगा, सब कुछ इंक्लूड है स्मार्टफोन में। कैमरा भाई 30,000 के अंदर बहुत ही बढ़िया देके रखा है, बैटरी भी अच्छा देके रखा है दोस्तों, प्रोसेसर तो भाई गेमिंग के लिए भाई ये भी अच्छा देके रखा है, डिस्प्ले तो मत ही पूछो, ऊपर से भाई स्मार्टफोन का लुक भी जबरदस्त है। तो सारा कुछ मिला जुला के 30,000 के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च होगा, मुझे लगता है दोस्तों काफी अच्छा मतलब रैंकिंग करेगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में मैं अपना ओपिनियंस अगर दूं, स्मार्टफोन भाई काफी अच्छा है अगर 30,000 के अंदर आ जाएगा, जितना भी पता दोस्तों वो अगर आ जाएगा स्मार्टफोन में
तो भाई मत ही पूछो, बढ़िया होगा। और कूलिंग सिस्टम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसका कुछ गारंटी वगैरह नहीं है, बट एक तारीख को हम लोग को पता चल जाएगा, जब ही पूरा डिटेल्स आ जाएगा दोस्तों आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और इसके बारे में आपका क्या राय दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। बस दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही है, आपके राय क्या है, इसका प्राइस कितना होगा, बस ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप कॉमेंट करके बताओ, कॉमेंट करो यार। और वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और कॉमेंट करो, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। इतना ही बोलूंगा दोस्तों, बस दोस्तों मिलते ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।